नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में तीसरा बड़ा सड़क हादसा। डंपर ने बाइक सवारों को कुचला। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। शहर के रथहरा बाईपास में हुई घटना। मृतकों में 2 महिलाएं व 1 पुरुष शामिल। रीवा में 2 दिन के भीतर आज तीसरा बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार डंपर बाइक सवारों को रौंदते हुए निकल गया, जिस दौरान बाइक सवार 3 लोगों की मौत दर्दनाक हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं समेत 1 युवक भी शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एकत्रित भीड़ को तितर बितर किया। हादसे में मृतकों की पहचान नई गढ़ी के हड़िया गांव में रहने वाले आदिवासी परिवार के लोगों के रूप में हुई है, जिसमें पन्ना लाल कोल नाम का शख्स अपनी 2 भाभियों को लेकर नई गढ़ी से रीवा जा रहा था, तभी शहर पहुंचते ही वह हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना कार्य पर मौके से भाग रहे डंपर का पीछा करते हुए पुलिस ने उसे गडरिया मोड़ अंदर से जब्त कर लिया है। रीवा संवाददाता राजीव तिवारी की रिपोर्ट। आज सुबह करीब 8-9 बजे के आसपास की बात होगी, और एक परिवार में बैठे लोग जो बल समाज के थे मोटरसाइकिल में, एक जिसमें एक पुरुष और 2 महिलाएं थी, वो रीवा की तरफ आ रही थी। पीछे से एक डंपर आए, इसमें मिट्टी कुछ लोग थी, पीछे से उसने टक्कर मारी मोटरसाइकिल को, और उसके ऊपर से मोटरसाइकिल के ऊपर से वो डंपर निकल गए, जिससे मौके पर 1-2 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते समय 3 व्यक्ति की भी मौत हो गई। इसमें 1 व्यक्ति और 2 महिलाओं की मौत हुई है, और डंपर वहाँ से फिर टक्कर करके भाग गया था, जिसको पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना के आधार पर पकड़ लिया है। डंपर के चालक मालिक का पता लग गया, पुलिस उनकी पकड़ धकड़ में लगी हुई है, और जो शव थे उनको अस्पताल भेज दिया गया है। शव की पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है, परिजन उनके आ गए हैं। इसके साथ साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सभी उसमें उस परिजन को राहत राशि दिलाने के लिए जो जो संभव हो सकता है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और दुखद घटना है निश्चित रूप से। और जिस तरह की वो बाइक से टक्कर हुई है, वो बड़ा ही भयावह दृश्य था उस समय, जिस तरह से वो हुआ था। लेकिन उस समय लोग मौजूद लोगों ने और पुलिस को सूचना देकर पुलिस के उन अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया। CSP साहब भी हमारे मौके पर तत्काल पहुंच गए थे, फिर उसके बाद थाना प्रभारी समान और कोतवाली की टीम पहुँच गई थी। उन सभी ने मिलजुल के सभी शवों को वहाँ से मर्चुरी पहुँचाया, और जहाँ पर उनकी कार्रवाई की जा रही है। आगे भी ऐसा लोगों से अनुरोध है कि कभी इस तरह की कोई घटना दुर्घटना होती है, तत्परता से घटना में घायल लोगों की मदद करने का प्रयास करें, पुलिस और आई एम्बुलेंस को मदद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।